नमो नमो विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट सेकंड में वैदिक सूक्त मंजरी, वैदिक सूक्त मुक्तावली भी कहीं कहीं लिखा हुआ मिलता है, और ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त विद्यार्थियों, जिसका नाम है अग्नि सूक्त। क्योंकि ऋग्वेद का जो विभाजन किया गया है वह पहले मंडलों में है, और मंडलों को विभक्त किया गया सूक्तों में, और सूक्तों में मंत्र हैं। तो हम पढ़ रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त, और जिसमें जो स्तुति की गई है वह देवता है अग्नि। देखिए विद्यार्थियों क्या कहते हैं कि अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तमः देवो देवे वीर आगमत। क्या कहा? अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तमः देवो देवे वीर आगमत। देखिए कि अग्नि, जो अग्नि है वह कौन है? जो अग्नि देवता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, तो यह जो अग्नि देवता है अग्नि होता। अग्नि कौन है? होता है, क्योंकि जो यज्ञ के यजमान होते हैं उनमें प्रत्येक यज्ञ के लिए प्रत्येक वेद का अलग अलग यजमान होता है, प्रत्येक ऋत्विज होता है। तो देखिए कैसे कहते हैं कि ऋग्वेद का जो ऋत्विज है उसका नाम होता है होता, यजुर्वेद का जो ऋत्विज है उसका नाम है अध्वर्यु, सामवेद का जो ऋत्विज है उसका नाम है उद्गाता, और अथर्ववेद का है ब्रह्मा। होता, उद्गाता, अध्वर्य और ब्रह्मा, तो ये चार ऋतुज होते हैं अलग अलग वेदों के। और ऋतुज किसको कहते हैं हम? जो यज्ञ संपन्न करने वाला होता है उसको कहते हैं विद्यार्थियों हम ऋतुज। अग्नि होता क्यों है? जो अग्नि देवता है, जिस अग्नि देवता की ऋषि विश्वामित्र के द्वारा स्तुति की गई है, तो वह कौन कैसा है? होता है, यज्ञ को संपन्न करने वाला है, यज्ञ हवन आदि करने वाला है। कवि क्रतुः कहते हैं विद्यार्थियों, कवि तो क्रांत दर्शिनः, कवि क्रांत दर्शी होते हैं। कहते हैं जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जो भूत और भविष्य को जानने वाला है ऐसा जो व्यक्ति होता है वह कौन होता है? कवि क्रतु। तो जो अग्नि देव है वह कैसे हैं? कवि क्रतु हैं। सत्य चित्र स्रवस्तमः, कि जो अग्नि देव हैं वे सत्य हैं, अर्थात वे निश्चित रूप से फल प्रदान करने वाले हैं। और चित्र स्रवस्तमः, चित्र स्रवस्तमः कहते हैं कि विचित्र प्रकार की कीर्ति से युक्त हैं। क्या कहा? कि अग्निर्होता कवि क्रतुः सत्य चित्र स्रवस्तमः, कि जो अग्नि देव हैं वह होता हैं, कवि हैं और सत्य हैं, अर्थात फलों को निश्चित रूप से प्रदान करने वाले हैं, और विविध प्रकार, चित्र स्रवस्तमः कहते हैं विविध प्रकार की कीर्ति से युक्त हैं, विचित्र रूप से युक्त हैं। देवः, ऐसे जो अग्नि देव हैं, देवे भी आगमत, वह अग्नि देव देवताओं के साथ आए। क्या कह रहे हैं जो विश्वामित्र ऋषि हैं? वह क्या कह रहे हैं कि ऐसे जो अग्नि देव हैं, देवो, ऐसे जो अग्नि देव हैं, देवे भी आगमत, वह देवताओं के साथ इस एक यज्ञ वेदी में आए, हमारे यज्ञ में आए। क्या कहा? कि अग्नि होता कवि क्रतुः, अग्नि क्या है? होता है, कवि है, सत्य है, विचित्र कीर्ति को धारण करता है, देव है, ऐसा जो अग्नि है वह देवे भी आगमत, वह देवताओं के साथ हमारे यज्ञ में आए। अब देखिए विशेष मैंने आपको बता दिए थे जो आपको लिखने, अब आपको क्या करना है कि
व्याकरण टिप्पणी लिखी है। तो देखिए आप लिखेंगे व्याकरण टिप्पणी में पहली लिखेंगे अग्नि और आप इसमें लिखेंगे आगी गाताओ धातु से नी प्रत्यय लगाकर अग्नि शब्द बनता है। फिर देखिए आप लिखेंगे दूसरा अग्निर होता, आप लिखेंगे अग्निहा प्लस होता और आप लिख देंगे विसर्ग संधि। फिर तीसरा आप लिखेंगे अग्निहा आप लिखेंगे अग्नि शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन फिर देखिए चतुर्थ है देवे विहा आप लिखेंगे देव शब्द तृतीया बहुवचन और पांचवा है देवः आप लिखेंगे देव शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन। प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए फिर क्या कहते हैं कवि कि यदंग दास से तुम अग्ने भद्रम करिष्यसि तवे तत् सत्यम अंगिरह। देखिए क्या कहते हैं कि यदंग दास से कि यदंग दास से तुम अग्ने के हे अग्नि देवता दास से जो आपके लिए हवि प्रदान करता है उस यजमान के लिए भद्रम करिष्यसि
आप भद्र करोगे, कल्याण करोगे, तब एतत् सत्यम अंगिरहा कि हे, तब एतत् यह सब जो भी पदार्थ हैं जो यजमान के लिए प्राप्त होते हैं, तब एतत् सत्यम अंगिरहा कि हे अंगार रूपी अग्नि देवता, हे अंगिरा ऋषि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, तब एतत् ये सब जो भी पदार्थ दिखाई दे रहे हैं, धन संपत्ति, गृह, पुत्र पौत्र आदि, वे सब तुम्हारे द्वारा ही प्रदान किए गए हैं। सत्यम, यह बात क्या है? सत्य है। क्या कहते हैं? यदंग दास से तुम अग्नि भद्रम करिष्यसि कि हे अग्नि देव, आप दास से माने जो हवि प्रदान करने वाला यजमान होता है, जो आपके लिए यज्ञ आदि करता है, उसके लिए भद्रम करिष्यसि आप कल्याण करेंगे, तब एतत् सत्यम अंगिरह कि जो भी दिखाई देने वाले पदार्थ हैं वे सब आपके ही हैं। हे अंगिरह ऋषि को जन्म लेने देने वाले या फिर अंगार रूपी अंगार से उत्पन्न होने वाले हे अग्नि देवता, आप जो आपके लिए यज्ञ आदि करता है उसका आप कल्याण करोगे, और ये जो जितने भर पदार्थ दिखाई देते हैं वे सब आपके ही हैं कि हे अग्निदेव, जो भी तुम हवि का दान करने वाले यजमान के लिए धन, घर, प्रजा, पशु आदि कल्याण करने वाले पदार्थ प्रदान करोगे, वे सब पदार्थ तुम्हारे ही हैं। हे अंगार रूपी अग्नि देवता, हे अंगिरा मुनि को जन्म देने वाले अग्नि देवता, यह बात सच है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। अब देखिए, अग्नि जो शब्द है वह कैसा है, आपको लिखना है। अग्नि शब्द अगि गतौ धातु से नि प्रत्यय करके निष्पन्न हुआ है। दूसरा लिखेंगे आप दास से, और दास से में आप लिखेंगे दासरी दाने, दाने धातु से क्वसु प्रत्यय लगाकर रूप बनता है। तीसरा, करिष्यसि आप लिखेंगे क्रि धातु लिरट लकार, क्रि धातु लिरट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, चौथा त्वम आप लिखेंगे युष्मत् शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन, पांचवा है यदंग
यत प्लस अंग आप लिखेंगे जसत्व हलसंधि, ठीक है विद्यार्थियों, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए क्या कहते हैं ऋषि, उपत्वाग्ने दिवे दिवे दोषावस्तर ध्यावयम नवो वरंतम एवसी उप उपमाने समीप। क्योंकि विद्यार्थियों यह जो उप है एक अव्यय है, और वेद में जब आप देखेंगे तो वेद में क्या है, अव्यय को निपात कहते हैं और निपातों को अलग भी प्रयोग कर दिया जाता है। देखिए उप त्वाग्ने के उप माने समीप, त्वा माने आपके, अग्नि माने हे अग्नि देवता, दिवे दिवे प्रत्येक दिन, दोषावस्थ रात दिन, धिया बुद्धि के द्वारा स्तुतियों के द्वारा, वयम हम सब, नमो भरंत नमस्कार करते हुए एमसी आपके समीप आते हैं। यह जो उप है विद्यार्थियों को इसके साथ जुड़ जाएगा और आप लिखेंगे हम आपके पास आते हैं। क्या कहा, उप त्वा अग्ने दिवे दिवे दोषा वस्त्र धिया वयम नमो भरंते मसी के हे अग्नि देवता, हे अग्नि देव, हम यज्ञ का अनुष्ठान करने वाले प्रतिदिन और दिन रात उत्तम बुद्धि से नमस्कार करते हैं और नमस्कार करते हुए तुम्हारे समीप आते हैं। देखिए उप को इसके साथ जोड़ लेंगे तो उपे उप एमसी का तात्पर्य आपके समीप आते हैं। तो देखिए उप त्वा अग्ने हे अग्नि देवता, दिवे दिवे प्रत्येक दिन, दोषावस्था ये रात दिन है, इसका अर्थ क्या होता है प्रत्येक दिन और इसका अर्थ है रात दिन, धिया धी माने बुद्धि होती है पर बुद्धि के द्वारा स्तुति करते हुए, वयम माने हम, कौन पुत्र पौत्र आदि सहित हम, नमो भरंता नमस्कार करते हुए आपकी स्तुति करते हुए, एमसी और ये जुड़ जाएगा उप एमसी आपके समीप आते हैं। ऋषि विश्वामित्र स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि हे अग्नि देवता, हम प्रत्येक दिन और रात दिन अपनी बुद्धि से स्तुति करते हुए आपके लिए नमस्कार करते हुए आपके पास आते हैं। अब देखिए विद्यार्थियों अग्नि देवता है तो अग्नि का तो यही हो जाएगा, सब में काम आ जाएगा आपका। और फिर देखिए आप लिखेंगे त्वाग्ने, तो आप लिखेंगे त्वा प्लस अग्नि और संधि हो जाएगी दीर्घ। और फिर देखिए आप लिखेंगे दिवे दिवे आप लिखेंगे देव शब्द
सप्तमी विभक्ति एक वचन। इसके बाद विद्यार्थियों चतुर्थ है दोषा वस्त्र दिया। आप लिखेंगे और आप लिखेंगे विसर्ग संधि। और फिर देखिए दिया आप लिखेंगे धी शब्द तृतीया विभक्ति। एक वचन छठवा है वयम। आप लिखेंगे युष्मद् शब्द सॉरी आप लिखेंगे विद्यार्थियों अस्मद् शब्द प्रथमा विभक्ति। बहुवचन प्रिय विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए विद्यार्थियों आप ये जो मंत्र है इस मंत्र में जो अग्निदेव हैं अग्निदेव के लिए कुछ विशेषण प्रयुक्त किए गए हैं और कभी कभी छोटे जो प्रश्न होते हैं उनमें उनके विशेषण पूछ लिए जाते हैं। तो देखिए क्या कहा है राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्तमानम सुवेदमे कि राजंतम राजधातु होती है चमकने अर्थ में कि राजंतम अध्वराणाम कि राजंतम माने दैदीप्यमान होते हुए अध्वराणाम गोपा गोपा कहते हैं रक्षक को कि जो यज्ञों के रक्षक हैं अमृतस्य दीदिबम और अमृत को धारण करने वाले हैं वर्धमानम स्वेदमे
और स्वे माने अपने दमे माने घर में अर्थात यज्ञशाला में जो विद्यमान रहते हैं ऐसे अग्नि देवता हैं। क्या बताया कि प्रकाशमान होते हुए हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक सत्य कर्म फलों को पुनः पुनः प्रकाशित करने वाले और ग्रह अर्थात यज्ञशाला में बढ़ने वाले अग्निदेव के हम समीप जाते हैं अर्थात हम उन अग्निदेव की स्तुति करते हैं कि राजन तुम दैदीप्यमान होते हुए। अब देखिए अध्वर दिया है तो न ध्वरति इति अध्वर अर्थात जहाँ हिंसा नहीं होती है उसको अध्वर कहते हैं। और गोपान भृतस्य दीदिवं के जो यज्ञ के यज्ञशाला के जो रक्षक हैं और ऋतस्य दीदिवं और जो पुनः पुनः प्रकाशित होते हैं ऐसे ऋत कहते हैं सत्य को जो बार बार प्रकाशित करते हैं ऐसे वर्धमानम स्वे दमे। दमे का अर्थ होता है विद्यार्थियों घर में तो वर्धमानम स्वे दमे जो अपने यज्ञशाला में विद्यमान रहते हैं ऐसे उन अग्नि देव के पास हम जाते हैं। क्या कहा इसमें ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि हे अग्नि देव राजत्वम मधुराणाम कि जो आप प्रकाशित होते हैं और यज्ञों के जो रक्षक हैं ऐसे और जो सत्य को पुनः पुनः प्रकाशित करते हैं जो सत्य को प्रकट करने वाले हैं ऐसे अग्निदेव वर्धमानम स्वेद में और जो अपने यज्ञ वेदी में अर्थात अपने घर में जो विद्यमान रहते हैं ऐसे उन अग्निदेव के पास हम जाते हैं। ठीक है विद्यार्थियों अब देखिए दूसरा लिखेंगे आप अध्वर अध्वर अध्वराणाम तो आप लिखेंगे न विद्यते अर्थात जहां हिंसा नहीं होती है उसे अध्वर कहते हैं। तीसरा है
वर्धमानम्। बृद्ध धातु और सानच प्रत्यय चौथा अध्वराणाम् षष्ठी विभक्ति बहुवचन और पांचवा है दमे सप्तमी विभक्ति एकवचन मेरे विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखिए कि ये मंत्र है, अंतिम मंत्र है अग्निदेव का, और क्या कहते हैं, स न पितेव सूनवे अग्नेश उपायनो भव और सचस्वानः स्वस्ते। कि स माने हुए जो अग्निदेव है, कौन से अग्निदेव, जो यज्ञशाला में विराजमान रहते हैं, जो प्रकाशित होते हैं, जो सत्य के रक्षक हैं, जो यज्ञों के रक्षक हैं, ऐसे जो अग्नि देवता हैं, पितेव पिता की तरह सूनवे, जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए अच्छे उपाय वाला होता है, उसी प्रकार से अग्ने हे अग्नि देवता सुपायनो भव, आप हमारे लिए अच्छे उपायों वाले बने, सा चस्वा न स्वस्ते, और वह हमारे कल्याण के लिए कार्य करें। क्या बताया कि हे अग्नि देव स न पितेव, कि वे जो अग्नि देव हैं वे पिता के समान पुत्र के लिए, जिस प्रकार से एक पिता अपने पुत्र के लिए करता है, उसी प्रकार जो अग्निदेव हैं वह अपने जो यजमान हैं, जो उनके लिए हवि करने वाले हैं, उनके लिए अच्छे उपाय वाले बने, सचत्वानः स्वस्ते, और हे अग्निदेव आप हमारा कल्याण करें। क्या बताया
कि हे अग्निदेव आप हमारा कल्याण करें। और जिस प्रकार से पिता अपने पुत्र के लिए कल्याण करने वाला होता है, अच्छे उपायों वाला होता है, उसी प्रकार से हे अग्निदेव आप हमारे लिए कल्याणकारी बने, अच्छे उपायों वाले बने। देखिए अग्नि का हो गया, अब दूसरा है इसमें पितेव, आप लिखेंगे पिता प्लस एव और आप लिख देंगे गुण संधि। इसके बाद तीसरा है स्वस्ते, आप लिखेंगे स्वस्ति शब्द है। चतुर्थी विभक्ति एकवचन, और चौथा है भव। आप लिखेंगे भू धातु लोट लकार मध्यम पुरुष एकवचन और पांचवा है विद्यार्थियों सा, आप लिखेंगे तद शब्द पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचन विद्यार्थियों आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें। आज के इस लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।